भाजपा की पूर्व त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लाया गया देवस्थानम बोर्ड पर वर्तमान की धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा पलटवार किया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करते हुए वर्तमान की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बार फिर बड़ा दाव खेला है, जिसको लेकर संतों ने उनके फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि इससे बीजेपी को चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचेगा। वहीं संत समाज के द्वारा लगातार हो रही नाराजगी के बाद अब सारा समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। मेरा ये मानना है कि आज का दिन संत समाज, हमारा पंडा समाज, आप खाली दो समाज मत लीजिए। मेरा ये मानना कि हमारे मंदिर में, ख्वाह वो हिंदू मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी हम लोग हैं सब मंदिर में होते हैं, तो जितने भी हमारे समाज जो भी मंदिर में है वो सब आज खुश है, प्रसन्न है, और सभी जो है मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सभी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा को, ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा, और जितने भी लोग हमारे जो है पंडा समाज है, संत समाज है, सभी जो है भाजपा के साथ है और भाजपा का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है इससे जो है सभी लोगों में जो है ये बात आ गई है कि भाजपा जो बोलती है वो कार्य करती है। भाजपा ने कहा था वोट भंग होगा और आज सुबह वोट भंग हो गया, इसलिए जो है हमारे माननीय जी को आशीर्वाद, साधुवाद। तो बाकी जो भी आगे भाजपा का जो भी नीति है, आपने देखा होगा जैसे हमारा दिल्ली में जो है कृषि कानून वो भी वापस हो गया, और यहाँ पे जो है देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छी पहल है। बहुत दिनों से हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो देवस्थान है। उत्तराखंड जो है वहाँ पर जो चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार है ना, उन चारों धामों का बहुत महत्व है, और बहुत सारे यात्री जो है वो लगातार देश विदेश से यहाँ पर उत्तराखंड में पहुँचते हैं। तो यहाँ के जो मंदिर हैं उनको लेकर जो तीर्थ पुरोहित है वो देवस्थानम बोर्ड बनने का लगातार विरोध कर रहे थे, और लगातार सरकार उनसे वार्ता कर रही थी, और एक उच्च स्तरीय जो है वो समिति का गठन भी किया गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है अभी मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को पिछले हफ्ते मिली है। और सरकार ने जो फैसला लिया है, जनहित का फैसला है, सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं जो विरोध जनता के अंदर उत्पन्न हुआ था उसको ख़त्म करने का एक अच्छा निर्णय है। और सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है हिंदू धर्म की ओर से मांग उठ रही थी, हिंदू लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो मंदिर हैं उनके ऊपर सरकार जो है नियंत्रण चाहती है, जबकि जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। तो हम भी इस पक्ष में थे और सरकार का, क्योंकि सरकार जो है भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, तो इस तरह के जो बोर्ड जो बनाए गए हैं उसको भंग करने का फैसला जो सरकार के द्वारा लिया गया है, तो सरकार की इसमें भूरी भूरी प्रशंसा है। और आने वाले समय में जो, क्योंकि लगातार ऑल वेदर रोड जो है वो बन रही हैं, अभी भगवान केदार के दर्शनों के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, तभी भी करीब करीब ये फैसला जो है उनके द्वारा ले लिया गया था। तो ये बोर्ड जो भंग करने का आज सरकार ने निर्णय लिया, और जल्दी शीतकालीन सत्र में इसको जो इसके लिए बिल है वो भी पेश कर दिया जाएगा। तो We'll be right back.